हमें ये बताइए, श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था, इसका क्या कारण था? ऐसा क्यों हुआ था? देश से इतना बड़ा भूचाल आ गया था श्रीलंका में, इसके पीछे क्या कौन सी बात थी, ये थोड़ी बारीकी से बताएंगे? सिर्फ हमने तो न्यूज में यही सुना था कि श्रीलंका में ऐसे हालात हो गए। जी देखिए, जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था उसका प्रमुख कारण यही था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने ऑप्ट की थी, खास तौर पे लोगों को फ्रीबीज देने की या जो टैक्सेस में कमी की थी, उसकी वजह से उनके फिस्कल डेफिसिट्स काफी बढ़ गए थे और उनका जो लोन थे वो भी काफी बढ़ गए थे, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी थी वो सस्टेन नहीं कर पाई और जो करेंसी थी वो बहुत ज्यादा थी और एकदम से इन्फ्लेशन काफी हद तक उनके बढ़ गया था, तो सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी और फिस्कल डेफिसिट क्योंकि कंटेनेबल लेवल पे नहीं था तो इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई थी। द गवर्नमेंट डिडंट टेक द वार्निंग सिग्नल्स इन श्रीलंका? No, they actually, what was the prime reason for Sri Lanka was that they continued with a spree of activities which were pro-people and in a manner that did not contain fiscal prudence as one of the important measures, especially in reducing taxes and doing other activities. So they focused more on populist measures rather than on governance. Governance measures.